सब्सक्राइब करें दरभंगा लाइव न्यूज़ को और साथ में घंटी दबाएं और देखें दरभंगा की सभी खबरें। तो नरेंद्र मोदी को पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, घूम के चले जाते हैं। अरे कभी तो जनता से आप बैठ के पूछे हैं कि हमारे देश के नागरिक हैं, उसको कौन भगाने वाला है? वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। मेरी नज़र में तो अभी चाचा भाजपा के लिए कह रहे थे, वो अच्छा काम कर दिया। भाजपा अच्छा काम कर दिया तो हमारे लिए ना किया है? हम स्टूडेंट हैं ना भाई, हमको रोजगार चाहिए, रोजगार का वैकेंसी चाहिए हमको। बिल्कुल हाँ, वैकेंसी निकालेगा तभी तो हम अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ललित यादव जी जो हैं, पिछले करीब कितने सालों से आपके विधायक हैं? 20 साल से हैं, करीब करीब 25 साल से। फिर से चुनाव होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, 1 महीना लगभग बचा है, फिर चुनाव होने वाला है। कितना काम किए 20-25 साल में? वो काम क्या करेंगे, यहाँ तो सब आता है, जितना हुआ है सो जनता के सेवा भावना से आता नहीं है, आता है लूटने के लिए। हाँ तो लूटने के सिवा और नेता क्या करता है? वही अपना अपना काम क्या होगा, काम तो जनता का क्या होगा यहाँ? हाँ स्कूल का हालत देखिए, स्वास्थ्य पर देखिए, कौन चीज पर काम करता है नेता? कोई काम नहीं। कहते हैं कि पहले जो है 15 साल पहले लालू की राज थी, उस समय उनका जो है राज था, विधायक थे वो, राजद के विधायक हैं तो राजद का राज था। लेकिन अभी जो है नीतीश कुमार का राज है और वो विधायक हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं है तो काम करने में हम तकलीफ होती है। तो ये जो 5 करोड़ का फंड मिलता है उसका क्या करते हैं? ये जो विधायक का फंड गवर्नमेंट से मिलता है उसको क्या करते हैं? क्षेत्र में कहीं लगाते नहीं? क्षेत्र में कहीं लगाते होंगे, हमारे यहाँ तो कोई लगा नहीं लगाया। कौन से गाँव से हैं आप? बलौर से। बलौर में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम क्या होगा, सड़क वगैरह नहीं बना? सड़क तो ये बना है प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री रोजगार योजना से बना है, और तो कुछ नहीं बना है। और कुछ वगैरह किए हों स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? कुछ शिक्षा क्षेत्र में जाइए, शिक्षा क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। सड़क वगैरह बना है? सड़क तो बना है, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, प्रधानमंत्री एक सड़क गाँव वगैरह बना हुआ है। गांव में कहाँ बना है सर? गांव में तो है, यही सड़क है मेन, यही मेन सड़क है। अच्छा अच्छा, तो इस बार चुनाव होने वाला है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा जब ईवीएम का बटन दबाइएगा, आप किस मुद्दे पर दबाइएगा? हम तो बोले हमें स्वच्छ नेता हो, ईमानदार हो, उसको बटन दबाएंगे, जो स्वच्छ हो किसी भी पार्टी का हो, जिसको देखेंगे जो ईमानदारी इसमें है उसको वोट देंगे। काफ़ी अनुभवी होंगे, आपका उम्र काफ़ी हो चुका है, 15 साल लालू को देखे ना आप? हम तो सबको देखे हैं, 15 साल नीतीश को भी देखे हैं। 1965 से वोट, हाँ तो बहुत सरकार को देख लिए, बहुत सरकार को देख लिए हैं। अभी फिलहाल दो ही चेहरा सामने आ रहा है, एक लालू यादव का बेटा तेजस्वी है और दूसरा नीतीश कुमार जो वर्तमान विधायक नीतीश मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों का चेहरा फिर से है मुख्यमंत्री के लिए, किसे देखना पसंद करेंगे? यहाँ तो बहुत दिन हो गया है उनको, इसीलिए इनका बदलाव का है, जो भाई बदलो, चाहे वो सरकार किसी का बने, चाहे नीतीश का बने चाहे लालू का बने, लेकिन जो यहाँ इतना दिन से शासन कर चुका है तो जनता तो बदलाव की तरफ है, जनता बदलाव की तरफ, बदलाव की तरफ है। किसी कैंडिडेट को बदलना है या पार्टी को ही बदलना है? कैंडिडेट को बदलना है, पार्टी कोई भी, पार्टी कोई भी हो। लेकिन इस बार तो जहाँ तक हम लोगों को सूचना मिली है कि कैंडिडेट फिर से वही होने जा रहे हैं, आरजेडी से हो रहा जा रहे हैं, तो इनको तो खास करके तो हम तो नहीं है देंगे वोट, आप नहीं दीजिए? नहीं, जो ईमानदार होगा, स्वच्छ ईमानदार होगा उसको। अच्छा, क्यों नाराजगी क्यों है आपकी इतनी उनसे, क्या नाराजगी है? नेता जाता है चुन के, चोरी डकैती करके अरबों खरबों क्या 1000 करोड़ का संपत्ति बना लिया, कहाँ से आया? आप क्या लेके आए थे? अभी आपका प्रॉपर्टी कितना है? आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से बनी? जब हमारी जनता को लूटे हैं, गरीब को, तब ना वो प्रॉपर्टी हुआ है, हमारा टैक्स का पैसा आप लिए हैं, लूटे हैं तब ना, एक एक जनता एक एक पैसा करके टैक्स देती है। आपके गांव की समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या या आपके क्षेत्र की? हमारे क्षेत्र की तो बात हम नहीं करेंगे, हम तो नेता नहीं है, है? नेता रहे तो अब सोर जो क्षेत्र टहले तो क्षेत्र की गांव में कोई समस्या है जो करना चाहिए, विधायक जी को नहीं किया ऐसा कुछ? विधायक जी के भाई ना स्कूल में टाइम से मास्टर, हर चीज में लूटे लूट सब जगह निगरानी समिति में किनको अपने आदमी को बैठाए हैं जो लुटेरे सबको, तो यही सब तो है। ऊपर में किसे देखना चाहते हैं? ऊपर में नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी। हाँ वोट तो उसी पर देंगे, उसी पर दीजिएगा, इसका मतलब एनडीए को वोट दीजिएगा। तो एनडीए से मनीगाछी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से फराज फातमी की बात चल रही है, अगर वो कैंडिडेट बनकर आप एनडीए की तरफ उनको देंगे, उनको देंगे, वो तो हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं, अलायंस है चुकी। हाँ बिल्कुल, एनडीए का अलायंस है। हाँ। इसीलिए तो हम तो उनको देखते हैं। अब हर हर तरह नरेंद्र मोदी को देखते हैं आप, क्या है उनमें ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी? बहुत तरह के काम किए हैं, हम तो दिन रात आपका न्यूज चैनल देखते हैं टीवी पर बैठ के। नहीं आप बताइए, आपके नज़र में कोई काम हो आपके गांव क्षेत्र आपके इलाके में? हमारे गांव क्षेत्र के इलाके में ना किया हो, लेकिन देश विदेश में तो बहुत सारे काम किए हैं। अगर भी विदेश नीति देखिए उनका, विदेश नीति देखिए उनका। बिहार के लिए कुछ किए मोदी जी? बिहार के लिए, अरे खास एक स्टेट के लिए करेंगे सो तो बात नहीं है जी जी। नहीं नहीं, उनके दोनों एनडीए में चल रहा है ना सर? तो एनडीए में चल रहा है तो बिहार के लिए क्या की? बिहार के लिए वो अपना पैकेज देते हैं, तो यहाँ तो सब लूट करके, लूट खसोट का अड्डा है, क्या होगा? केंद्र सरकार फंडे नहीं देगी। लूट खसोट का अड्डा कैसे बना? केंद्र में भी तो वही है, राज्य में भी तो वही है। राज्य में वही है तो यहाँ तो मनीगाछी का कह रहे हैं, मनीगाछी तो लूटे खसोट का अड्डा है, ब्लॉक से जाइए, थाना से जाइए, सब जगह तो लूटे है। तो आप मनीगाछी की बात कर रहे हैं? मनीगाछी की बात कर रहे हैं। अब अंत क्या होता है वो तो हम नेता नहीं है जो हम कहेंगे। सही बात है, जो नेता रहे जो घूमे सो न बुझे। लेकिन नरेंद्र मोदी की आप बात करें, नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि कई कंपनियां को बेच रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गया उनके समय में, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। कौन सरकार देगा? सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाना चाहिए। अगर इस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी तो देश का क्या होगा? कितने को नौकरी देंगे? 1 साल 18 इस साल देंगे 1 करोड़ को, 2 करोड़ फिर हो जाएगा। पहले तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना रहे हैं, तभी ही बेरोजगारी हटेगी इस देश से। तो बेरोजगारी हटाने का एक ही उपाय है, जनसंख्या नियंत्रण। अच्छा, इससे पहले भी एक कानून उन्होंने लाया है, पता आपको? कौन कानून? CAA। CAA तो वो तो CAA तो एकदम सही लाया है, CAA लाए हैं, सही लाए हैं। तो उसको लेकर काफ़ी जगह विरोध हुआ, क्या क्या विरोध हुआ? जो विरोध किया, CAA तो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। CAA तो जो पाकिस्तान से आया है भाग करके, उसको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा था, उसको सिटीजनशिप दिए हैं। तो CAA पर विरोध कौन चीज़ का? लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो साबित नहीं कर पाएंगे, उनको भगा दिया जाएगा। मुसलमान हमारे देश के नागरिक हैं, उसको कौन भगाने वाला है? वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा उसका भाईचारा बना हुआ है सब दिन से, अब बना रहेगा, उसको कौन भगाएगा भाई? वो तो एक सिटीजन है, एक वोट देने का उसको भी तो अधिकार है, कौन भगा देगा उसको? तो इस बार जो है ग्रामीण विधानसभा से एनडीए को जिताने का मूड आप लोग बना रखे हैं? हम खास करके अभी आप सब भंडीन नीति है, हमारा तो मत है भाई, हम तो भाजपा को देना। हाँ, हमारा अपना मत है, अभी जनता को किसका कितना मत है वो तो हम नहीं कहेंगे, हम तो नेता नहीं। आप ही जैसे एक और लोग थे, उनसे हमने बात किया कि भाई नरेंद्र मोदी को काहे नहीं वोट दीजिएगा, वो तो राम मंदिर बना रहे हैं। तो बोले, राम मंदिर से मुझे क्या लेना है, यहाँ क्या किए नरेंद्र मोदी? कह रहा है देखिए, राम मंदिर अगर बना रहे हैं तो बढ़िया बात है। हाँ। मंदिर बन जाएगा आपका, एक मस्जिद अगर बन जाए तो उसमें हमको क्या हालत है? मंदिर मस्जिद सब एक ही है। अल्लाह बिहार के लिए कुछ, बिहार के लिए कुछ खास तो नहीं किया उन्होंने? बिहार के लिए, अब तो बिहार के लिए क्यों नहीं, कैसे नहीं किया है? देश के लिए किया तो बिहार के लिए, एक बिहार प्रांत के लिए नहीं किया है? बिहार में उनसे एनडीए की सरकार है, बेरोजगारी पर कोई बात हुई? आपके बगल में ही एक जो है चीनी मिल जो है बंद पड़ा हुआ, उसको कहाँ चालू करवा बंद किए हैं? राजद के समय में बंद हुआ है, तो आपके समय में चालू होना चाहिए भाजपा? हाँ, ये चालू होना चाहिए। हाँ, तो ये नीतीश कुमार अपना चालू करेंगे, नहीं चालू करते हैं। उद्योग धंधा जब आएगा यहाँ, हम आप जब हम, बेरोजगारी बहुत बड़ी है ना, नौजवान बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, तो किसको देंगे जो रोजगारी हटा देगा? किसका माइकल लाल है जो रोजगारी बेरोजगारी हटा देगा? हटा तो नहीं देगा, लेकिन जो कारखाने बंद पड़े हैं 15 साल उनका लालू जी का, कांग्रेस का 70 साल शासन था, तो कौन बेरोजगारी हटा दिया? और तभी तो जनता ने उसे हटा दिया, जनता हटा दिया। तो आप जो चुने हैं जिनको, वो तो करे चालू, जो बंद पड़ा है बंद पड़ा है तो चालू करें,
करना चाहिए ना, करना चाहिए। मानते हैं कि नहीं किया? मानते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए नौजवानों से बात करते हैं, आप कुछ बोलिएगा? नहीं बोलिएगा? बोल के क्या करें, कुछ बता दीजिए अपने बारे में। नाम क्या आपका? अजीत कुमार। क्या करते हैं? अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। वोटर कार्ड तो बन गया होगा आपका? अभी वोटर कार्ड हाँ बना हुआ। तो इस बार जो EVM का बटन दबेगा कौन से मुद्दे को? नोटा। नोटा ही दबाइएगा? हाँ। अरे बात कहा है ऐसा? कहा है, कोई नेता ठीक नहीं है मेरी नज़र में तो। अभी चाचा भाजपा के लिए कह रहे थे, वो अच्छा काम कर दिया? भाजपा अच्छा काम कर दिया तो हमारे लिए नहीं ना किया है? हम स्टूडेंट हैं ना भाई, हमको रोजगार चाहिए, रोजगार का वैकेंसी चाहिए हमको। बिल्कुल। हाँ, वैकेंसी निकालेगा तभी तो हम अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। और वैकेंसी निकालता है एक साल बाद, दो साल बाद एग्जाम लेता है, ये भी तो सिस्टम हटाना चाहिए। सही बात है। हाँ, पेपर चेक करता, अभी कोरोना काल चल रहा था, तुरंत पेपर एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट दे दिया। कैसे दे दिया भाई, इतना दिन से क्या हो रहा था? सही बात है, कैसे हो गया था जल्दी? कुछ तो रीजन होगा, हमको बताएगी ना सरकार? यहाँ कोई नेता आता है घूम के चला जाता, आपको चलिए वहाँ पे दिखाते हैं कैसा रोड बना है। चलेंगे, हम चलेंगे। वहाँ पे है आपका ये आंगनबाड़ी केंद्र बना है, उसका वहाँ पे रोड नहीं बना है अभी तक। फिर वहाँ पे वो पोखर भीड़ पे बना हुआ है ये आपका प्राइमरी स्कूल, उसका रोड नहीं बना है। प्राइमरी स्कूल कब से बना हुआ है? कोई नेता काम करेगा तब तो वोट देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की जो वादा किया गया था, वो वादा कौन सरकार ने करता आप बताइए? आज ही किया है, इसी बार इलेक्शन में किया है। हाँ, इसी बार इलेक्शन में किया है वादा। क्या समझता आप इस वादा को? हर बार हर नेता अपना वादा करता है जाता है, तो हमको नेता से क्या मतलब भाई? हमको हमारा एक वोट मिला, हम अपना नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे। अच्छा, आपके विधायक यहाँ से 20-25 साल से हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? आप नौजवान विधायक जी क्या किए हैं? जो करना था वो करके दिखा दिए ना। वहाँ पे वो स्कूल था, उसके कंप्लेन गया होगा उनके पास कितना बार, नहीं उसके लिए भी रोड नहीं बनवाए। विधायक जी यहाँ पे आते हैं घूम के चले जाते हैं। अरे कभी तो जनता से आप बैठ के पूछे हैं कि यहाँ बार तो फिर से वो भारी तैयारी कर रहे हैं दोबारा? हम तो बोल दिए भाई, हमारा सीधा नोटा और कहीं नहीं। अच्छा, विधायक जी के बारे में और कुछ बताइए जो मतलब किए हैं। विधायक जी के बारे में, हम यहाँ हम 3 साल से ही रह रहे हैं। हमको विधायक जी के बारे में उतना नहीं पता। कुछ तो किए होंगे, हमको पता ही नहीं क्या किए क्या नहीं किए हैं। काम उनका नज़र नहीं आता हमको? क्या नज़र आएगा बताइए, कौन सा काम नज़र, कौन सा उनके कोटा से काम होता है हमको भी नहीं पता। जैसे अपने घूमते होंगे आप एरिया में, कहीं तो ललित यादव का बोर्ड वोर्ड देखते होंगे लगा हुआ? बोर्ड लगाने से क्या होता है? चलिए ना, आपको शिलान्यास कर वहाँ पे बोर्ड लगवा देंगे। यार रोड नहीं बना रहेगा तो क्या कहेंगे कि बोर्ड ये विधायक जी बनवा दिए हैं? बोर्ड तो कोई भी लगवा सकता है, बनवा के लगा के चला गया, 5 साल बाद आएगा जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब रोड बनवा देंगे। हाँ, अब बोलेंगे कि बोर्ड हमको दो, देखो रोड बनवा दिए।